अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और अभी टाइम हुआ है 12 बज के, बजने वाले हैं बस 12। बाहर चलते हैं, बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। कोई भी नहीं है बाहर, और अच्छी वाली जो गर्मी है ना वो स्टार्ट हो गई है। अंदर चलते हैं, आज काफ़ी काम है करने वाले, क्योंकि आज है 29वां रोज़ा और हो सकता है आज चांद रात हो जाए। और चांद रात हो गई तो फिर हमें उस्मान भी आज आ जाएगा फिर घर इंशाल्लाह। और ये है जी कपड़े आए हुए बच्चों के भी, हस्बैंड के भी, रात को आए हैं टेलर से। अभी ये वॉश करने हैं, फिर इन सबको प्रेस करना है, तैयार करना है, बाकी काम काम करने हैं। और ये वैक्स वगैरह पड़ी हैं, गंद वंद काफ़ी पड़ा होगा आज। बाकी घर के काम करते हैं और सैलून का काम भी साथ साथ चलता रहता है। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की तैयारियां कर ली हैं, कैसा गुजरा रमज़ान, क्योंकि अब तो बस एक रोज़ा शायद रह गया। और ये मैंने कुछ मेहंदियां मंगाई थी, कॉर्न मेहंदियां, और मुझे कहा गया था ये कराची की कॉर्न मेहंदी है और इसका कलर बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा मैं इसे लगा के चेक करूँ, क्योंकि हो सकता है आज चांद रात हो जाए तो फिर मेहंदी का रश हो जाता है। तो मैंने, मेरी कोशिश है अच्छी वाली मेहंदी हो हमारे पास, तो मैंने अपने हाथ पे लगा के देखा इसका कलर किस तरह का आता है। और ये मैंने तकरीबन एक घंटा लगा के रखा और फिर वॉश किया, तो इसका कोई इतना खास कलर नहीं लगा मुझे, और ना ये थोड़ी जलन भी कर रही थी। तो खैर ये तो हो गई फेल मेहंदी, और अब मेरे पास यहाँ की लोकल मेहंदी पड़ी है, तो मैं वो लगा के देख रही हूँ हाथ पे कि इससे कलर कितना अच्छा आता है, क्योंकि मैंने ये पहले भी लगाई है और इससे तो 10 मिनट में कलर आ जाता है और ये हाथ भी नहीं ख़राब करती। सॉरी मेरा गला ना थोड़ा सा ख़राब है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरी आवाज़ इस तरह निकल रही है भारी भारी सी, तो सॉरी फॉर देट। तो अब जो है ना मैं आपको बताती हूँ, ये मेहंदी मैंने लगा ली और ये मैंने सिर्फ 5 मिनट लगा के रखी है, और इसका इतना कि कोई अच्छा कलर आया ना सिर्फ 5 मिनट। और ये दूसरी वाली जो मेरे थंब पे लगी है ना, ये बहुत अच्छी रही है। तो खैर वो जो कराची वाली थी वो मैंने वापस भेज दी। और ये जी हमें आ गई है शादी, और ईद के फ़ौरन बाद एक शादी है हमें, और हमने जाना लाहौर इंशाल्लाह। ये शादी का भी ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। तो आज ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, तो आई होप कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेडिसिन मैंने खा ली है, क्योंकि आगे ज़रा काम शाम थोड़े ज़्यादा हैं। और ये है हमारे भाई हैं एक, उन्होंने बड़ी ही अच्छी पिज़्ज़ा शॉप ओपन की है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी शॉप है। और ये फैसलाबाद में है, बाबर चौक में, ठीक है। अगर जो फैसलाबाद में रहते हैं वो यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें, बड़ा ही अच्छा इनका मेन्यू है, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा फ्लेवर है, रोल्स वगैरह हैं, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और अल्लाह ताला इनके काम में ढेर ढेर सारी बरकतें डालें। और उसके बाद जो था ना, हमारी कोशिश थी कि मेरी दो तीन चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं पूरी कर लूं। मुझे एक जूता लेना था कंफर्टेबल सा, तो हम लोग गए हैं सर्विस पे, तो सर अभी ना ये इफ्तारी के फ़ौरन बाद का टाइम है, अभी पता नहीं चला था कि हमें चांद रात है या नहीं होनी। तो खैर ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि हो सकता है चांद रात हो जाए, तो मैंने ज़्यादातर काम अपने कर लिए हुए थे, और जूता मुझे एक लेना था, तो अभी यहाँ पर रश नहीं है इतना, क्योंकि आपको पता है ईद पे तो सारी रात ही शॉप्स ओपन रहती हैं। तो खैर मुझे यहाँ पे एक जूता पसंद आ गया था, लेकिन उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो फिर ये इसमें पीच कलर है और मुझे गोल्डन में चाहिए था, और उसमें मेरा साइज़ नहीं था, मुझे गोल्डन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये ऊपर वाला जो है। तो खैर उन्होंने कहा आप किसी और ब्रांच से ट्राई कर लें, तो फिर हम किसी और ब्रांच पर गए, तो ये कोहिनूर वाली साइड पर था, एक और सर्विस की शॉप थी, तो फिर हम लोग वहाँ पर भी गए,
और अभी तो फ़िलहाल मैं अपने लिए अब दुपट्टे मैचिंग करने थे। ब्रांडेड सूट तो मैंने ले लिए थे ब्रांड से, लेकिन फिर दुपट्टे मैच करना मुश्किल हो जाता है। तो खैर वो टू पीस थे इसलिए मुझे दुपट्टे मैच करने थे, तो दुपट्टे मैच हुए नहीं। और हर ब्रांड पे हर जगह हम लोगों ने देख लिया, तो खैर शॉपिंग तो नहीं इतनी की, आउटिंग हो गई थी तो रोज़ा खोलते साथ ही हम लोग आ गए थे। तो खैर ये जो है ना, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए थे, थ्री पीस सूट भी बहुत अच्छे थे लॉन के सारे, लेकिन जिन चीज़ों के लिए मैं आई थी वो मुझे कुछ भी नहीं मिला। दुपट्टे बिल्कुल भी मैच नहीं हुए। खैर अब ऐसे ही पहनेंगे, और अगर घर से कोई मैच हो गया तो वो लेंगे सूट के साथ, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है। खैर अभी तो सन्नाटे पड़े हुए हैं, और जैसे ही अगर पता लग गया ना आज चांद रात है तो रश देखने वाला होता है फिर, तो इसलिए हमने कोशिश की थी हम फ़ौरन अफ्तारी करते ही निकल जाएंगे। ये बैग मुझे बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन ये बहुत महंगा था, आई थिंक 5,000 तक का था बैग। और दुपट्टे ढूंढने की बड़ी मैंने कोशिश की है, कोई दुपट्टे छुपट्टे नहीं मिले मुझे। उसके बाद जो है ना, फिर मैंने कोशिश की कि मुझे जूता ही कम से कम मिल जाए। फिजान ने भी अपना जूता लेना था, और इसको ही ज़्यादा शौक होता है कपड़ों का भी जूतों का भी, तो मेरी कोशिश होती है इसके कपड़े जूते पहले पूरे हो जाएं। खैर वो जो खेड़ी वाली चप्पल होती है, जो पिशावरी चप्पल होती है ना, वो हमने फिजान की ढूंढ रहे थे काफ़ी दिनों से। तो एंडियोर पे आए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं मिलता है फिज़ान का साइज़ के नहीं, क्योंकि उसका मूड ऑफ हो रहा था और उसने अपने बाबा के साथ ही वैसी ही चप्पल पहननी होती है जैसे बाबा ने पहननी है। और यहाँ पे अब फिज़ान का फेस देखें, खुशी की इंतहा चेक करें, क्योंकि जूता उसे मिल गया फाइनली, एंड ही वॉज़ हैप्पी। तो अब फिज़ान साहब का जूता तो मिल चुका है, और अब मैं अपनी जूती लेने के लिए सर्विस की दूसरी ब्रांच पे गई थी, और वहाँ से मुझे ये वाला कलर मिल गया जो मुझे चाहिए था। ये पता क्या, बहुत कंफर्टेबल जूता था और हर ड्रेस के साथ चल जाता है, और सूट भी कर रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल जूता था और बहुत रीज़नेबल प्राइस थी, बहुत कम प्राइस में मिला है। फिज़ान का जूता ये वाला था और अच्छा लग रहा था उसको। फिज़ान का साइज़ ना बच्चों में भी नहीं आता, और बड़ों में जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये है मेरी सिंपल सी जूती, लेकिन ना ये बहुत सॉफ्ट और बहुत कंफर्टेबल थी, और इसके प्राइस थे 1400। तो जिस जिसने लेना है चले जाएं सर्विस पे। और मैंने फ्लावर्स वगैरह भी मंगा लिए थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि आज चांद रात हो जानी है। तो खैर मेरी हेल्पर ने कहा था अगर हम फ्रिज में भी रख लेंगे ना तो फ्लावर्स ख़राब नहीं होते, क्योंकि उस्मान को जब आना था उस्मान ने, तो हमने उसको वेलकम करना था। और यहाँ पे जो है जी ऐलान हो चुका था इस टाइम तक कि आज चांद रात है, ठीक है। तो फिज़ान और उसके बाबा और उसके एक अंकल थे, वो उसे रिसीव करने गए थे मस्जिद में। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और काम जो है वो फिर एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है चांद रात पे ना सैलून का। तो ये उसके बाबा उसके बिस्तर वगैरह लेके आ रहे हैं, और पहली दफ़ा उस्मान माशाल्लाह इतकाफ़ पे बैठा है, तो बड़ी खुशी हो रही थी। और ये जब वो लोग घर आ रहे थे, क्योंकि मैं नहीं लेने गई थी और ये फिज़ान ने ही सारी रिकॉर्डिंग की हुई है, मेरी कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी, मैंने घर ही वेलकम कर लिया था उस्मान को। चांद रात का सुनते ही सारे बच्चे आंटियाँ बाजियाँ सब सैलून में आ चुकी थी, और बहुत ज़्यादा एकदम ही रश हो गया था, और हर किसी की कोशिश होती है हमें पहले लगा दें पहले लगा दें। तो बड़ा अच्छा ये मेहंदी का कलर था, ये वही मेहंदी है जो मैं ट्राई कर रही थी ना बाद में, बड़ा ही अच्छा इसका कलर आया हुआ था। और माशाल्लाह काफ़ी रश हो गया था, और हमें मेहंदियाँ लगाते लगाते ना सुबह 5 बज गए थे, और आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो सकता है कि थकावट की वजह से। आई होप इंशाल्लाह आगे शादी भी आ रही है, अल्लाह करे जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो माशाल्लाह बच्चों को इतनी प्यारी प्यारी मेहंदियाँ लगी थी, मेरे पास लड़की भी आई हुई थी मेहंदी लगाने वाली, और मैं ख़ुद भी मेहंदी लगा रही थी, लेकिन सबकी ये कोशिश होती है मेरे से ही मेहंदी लगवानी है। तो यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक करें शेयर करें, और मैं आपको मिलूँगी अब अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।